हाय, मैं हूँ रश्मि गुप्ता। और हाँ जी, आज मेरी न्यू एंट्री हो रही है नथ शो में। और मैंने सुना कि बहुत अच्छा शो वर्क कर रहा है, नंबर वन पे है दंगल पर। और यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ आकर के, क्योंकि मेरा जो लुक है वो बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब वाओ लुक है। तो मेरा जो रियल नेम है वो है रश्मि गुप्ता, और जो मेरा रियल नेम है वो है तारा। तो मैं तारा बन के आई हूँ आसमान का तारा, टूटता तारा, वो तारा। तो ये लुक अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है, मतलब मैं पूरी ऊपर से लेके नीचे ज्वेलरी तक, ज्वेलरी में डूबी हुई हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये घाघरा है, फिर मैंने वेस्ट पे एक ज्वेलरी बांधी है, फिर मेरा एक रामपुरी है जो कि मेरे पास हमेशा रहता है। फिर आप देख रहे हैं कि मैंने ऊपर भी पूरी ज्वेलरी पहनी हुई है, मैंने मांग टीका पहना है, मैंने मांग टीका तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रहा छोटा सा नोज पिन जो कि बहुत अच्छा दिख रहा है मुझ पर। और ये कान का आप देख सकते हैं, तो मतलब ये पूरा जो गेटअप है ना, मैं ऊपर से लेके नीचे तक ज्वेलरी में लगी हुई हूँ। और यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट हैं वहाँ, उनसे बहुत डिफरेंट लुक है, क्योंकि ये कैरेक्टर ना, अगर मैं अगर रिलेट करूँ इसको, तो क्या आपको देख के लग रहा है कि मतलब तीन बिंदी, फिर यहाँ पे एक कुछ है, कुछ याद आ रहा है शायद अशोका की करीना कपूर? तो वैसे ही कुछ लुक है। तारा का कुछ तो कनेक्शन है इस घर में, और तारा इस घर में आना चाहती है, और वो रीज़न ढूंढ रही है कि वो कैसे आए। तो फिलहाल वो अभी बहुत पॉजिटिव तरीके से घर में एंट्री मार रही है, और अगर ये लोग मेरे दुश्मन नहीं निकले तो मैं इनको बहुत प्यार दूंगी, अगर दुश्मन निकले तो मैं इनको मार दूंगी। और ये रहा मेरा राम राम प्यारी। ये सीक्वेंस ऐसा है कि फैमिली है, और मैं घर में एंट्री मारने के लिए मैं कुछ प्लान कर रही हूँ कि मैं क्या करूँ, और जेन्युइनली मैं एक चीज़ में फंस जाती हूँ, जहाँ नथ उतराई का जो शो है जिस पे बेस, मैं उसमें फंस जाती हूँ। और अपने आप को बचाने के लिए मैं आती हूँ सरपंच जी के पास, और सरपंच जी से बोलती हूँ कि घर में कुछ काम है तो दे दीजिए मुझे। तो यहाँ से मेरी एंट्री हो रही है। तो आपने मुझे इसके पहले देखा होगा गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, जो कि मैं उसमें सरू बहू, सरस्वती बहू प्ले कर रही थी। मुझे पता है आप सबको याद है, याद रहेगा। और अभी लास्ट शो मेरा था साथ निभाना साथिया, और वो भी बहुत ही बढ़िया, मज़ा आया काम करके। वैसे ही काम मैं यहाँ पे करने वाली हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ, कल मेरा लुक टेस्ट था और आज फर्स्ट डे मैं शूट कर रही हूँ। मैं सच कहूँ तो मैंने कोई शो अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि एक्टर्स में यही तो प्रॉब्लम होती है कि जब वो कोई शो कर रहे होते हैं तो उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, और खासकर टीवी सीरियल वाले, क्योंकि वो 9 to 9 शिफ्ट करते हैं और फिर घर जाने के बाद वो थक जाते हैं। तो मैं तो नहीं देखी थी, बट अब देखूंगी क्योंकि मैं खुद आ गई हूँ। हाँ हाँ, चाहत मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत पुरानी फ्रेंड है, और उसकी बेस्ट फ्रेंड और मेरी भी बेस्ट फ्रेंड, उस हम दोनों सेम सेम हैं, और अच्छी फ्रेंड है मेरी। थैंक यू।